दोस्तों, ये कहानी एक दोस्तों पर, ऊँट और सियार की कहानी। ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुँच गए। वहाँ दोनों ने छक कर तरबूजे खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। ऊँट ने उसे शांत करने की प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज़ खेत की कुछ ही दूर पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता दौड़ता खेत में आ पहुंचा, जहां उसने ऊँट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊँट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊँट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊँट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छिपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उसने ऊँट से पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ हुआ की आवाज़ न निकालूं तो मेरा खाना नहीं बचता है, सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊँट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊँट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊँट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुँचे तो अचानक ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर से मारे चीखा, ये क्या है कर रहे हो मित्र? मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, ऊँट ने उत्तर दिया। सियार समझ गया कि ऊँट ने इसके किए का बदला चुका है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरी रास्ते डरा सहमा सा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उसी दिन के बाद से उसने कभी ऊँट के साथ चालाकी नहीं की। सीख, जैसी करनी वैसी फरनी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर और सारी कहानी ऐसे ही मिलती रहेगी। धन्यवाद।